मेडिकल कॉलेज। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते क्या है, देन अपन इनको बनाते कैसे हैं, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन इसकी कौन कौन सी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटलिक एटम क्या होता है, डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये एक कंपाउंड है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्या है, यहां एक मेटलिक एटम, ठीक है, ये देखिए CmgBr, यहां आपका क्या हो गया H, ये क्या हो गया CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ये मेटलिक एटम है ये क्या डायरेक्टली कार्बन एटम से क्या है, अटैच है, तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताती हूं, ये देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है, जिंक है, जिंक कैसे अटैच है, ये देखिए जिंक क्या है, दो मेथिल रेडिकल से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथिल लिथियम। मेथिल लिथियम भी क्या है स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो आपका मेटल एटम है मींस लिथियम, वो डायरेक्टली किससे अटैच होता है, कार्बन से, कैसे, ये देखिए आप सभी, आप सभी देख रहे होंगे ये क्या हो गया कार्बन, देन ये क्या है स्टूडेंट्स आपका लिथियम। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो अपना मेटल एटम है वो डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन से, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते क्या है। देन अब मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड के बारे में। देन अब मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड के बारे में। ये देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो कार्बन है और जो अपना मेटलिक एटम है मैग्नीशियम के बीच में क्या प्रेजेंट है, जो बॉन्ड प्रेजेंट
उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड, मींस कार्बन और मेटलिक एटम के बीच प्रेजेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स जो कार्बन है और जो अपना मेटलिक एटम है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, पोलर नेचर रखते हैं, मींस इसमें इनमें हाई पोलरिटी नेचर पाया जाता है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है हाई पोलरिटी नेचर, मींस जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है उसमें बहुत ज्यादा पोलर नेचर पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको मैं बताऊंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। स्टूडेंट्स जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, मींस RMGX। ठीक है, RMGX, R की जगह क्या होता है आपका, कोई भी एल्किल रेडिकल। ये देखिए R की जगह क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कोई भी एल्किल रेडिकल हो सकता है, Mg आपका मैग्नीशियम मेटलिक एटम, X क्या है हैलोजन, इसमें आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हैलोजन आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपन प्रिपेयर कैसे करते हैं, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कवरी सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया था, आप क्या करेंगे, कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन आपको क्या करानी है, मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उसकी रिएक्शन आपको क्या करानी है, मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या लेना है आपको, कोई भी एल्किल हैलाइड मैं ले लेती हूं, मेथिल ब्रोमाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या ले लिया, मेथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। ये है क्या आपका
मैग्नीशियम, देन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर रहेगा वो बहुत ज्यादा हाई ना होकर क्या रहता है इसमें, लो टेम्परेचर। ये देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या लिया यहां, मेथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इन लो टेम्परेचर। देन क्या फॉर्म हुआ यहाँ आपका, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाते हैं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देन हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉलिड। मींस जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई भी कलर नहीं होते और ये एक अवाष्प सील्ड ठोस पदार्थ होता है। देन जो इसका इथरिक सॉल्यूशन होता है उसका यूज हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल वर्क में। हम जो नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका यूज हम नहीं करते, जो इसका इथरिक सॉल्यूशन होता है मींस इसका इथर में बना हुआ जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज हम कहां करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट है क्या आपका, ये कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल वर्क में आप क्या करते हैं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इथेरिक सॉल्यूशन होता है उसका यूज हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क में करते हैं। देन हम बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ये थ्री टाइप के रिएक्शन देते हैं। ठीक, फर्स्ट है आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन हो गया सर, नेक्स्ट हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट हो गया आपका डबल डिकम्पोजिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड कौन सी है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
स्टूडेंट्स थर्ड रिएक्शन कौन सी है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोथ रिएक्शन। अब हम फर्स्ट बात कर ले कि जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एंड डबल डिकम्पोजिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर ले, फिर हम एक एक करके तीनों रिएक्शन को क्या करेंगे। एक्सपर्म है कि इसमें रिएक्शन हमको किसकी करानी है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की किसी भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो इसमें आप सभी को मालूम है ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। अब हम बता, अब एक और बात क्लियर कर लीजिए आप सभी, कि आप सभी को मालूम है कि जो मेटल्स होती हैं वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मीन्स अगर हम इनको आयोनाइज करेंगे तो मैं ये क्या हो जाएगा आपका पार्शियल मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और देन जो ये आपका एल्किल रेडिकल है इस पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है। जब आप इसको आयोनाइज करेंगे मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, देन एल्किल रेडिकल पार्शियल निगेटिव, ठीक है। अब हम मान लीजिए इसमें इसकी रिएक्शन किसी भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं वॉटर मॉलिक्यूल H2O, एक वॉटर का मॉलिक्यूल है जिसको मैंने क्या किया है इस फॉर्म में लिखा है। आप सभी जानते हैं कि वॉटर मॉलिक्यूल कैसे आयोनाइज होता है, H+ और OH निगेटिव, ठीक है। ये लीजिए, अब इधर भी हमने क्या किया, इसको आयोनाइज कर लिया मींस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को, देन जो मैंने रिएक्टिव स्पीशीज ली है उसको भी मैंने क्या कर दिया है, आयोनाइज कर दिया है। उसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सभी जानते हैं कि जो माइनस चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है स्टूडेंट्स, माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, निगेटिव को क्या करना है आपको पॉजिटिव के साथ ऐड कर देना है, देन सेम हियर इस पॉजिटिव के साथ आपको क्या करना है, इस निगेटिव को ऐड कर देना है, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कैसे, ये आप सभी देख लीजिए, ये देखिए ये क्या है CH3 निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, मीन्स ये हाइड्रोजन किसके साथ ऐड होगा, इस CH3 के साथ, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये लीजिए CH4, मीन्स एक मेथेन या एक एल्केन के मॉलिक्यूल का यहाँ फॉर्मेशन हुआ। देन ये जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो किससे ऐड होगा स्टूडेंट्स, रिएक्टिव स्पीशीज के निगेटिव पार्ट के साथ क्या हो जाएगा, MgBr, और ये क्या हो गया आपका OH। कहने का मतलब ये है कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgX वाला पार्ट है वो क्या होगा, रिएक्टिव स्पीशीज के निगेटिव पार्ट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। ये अभी आप लोग के सामने है ये रिएक्शन, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgX वाला पार्ट रिएक्टिंग स्पीशीज के निगेटिव पार्ट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स डबल डिकम्पोजिशन की, देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिसमें
डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उनके साथ ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, जिनमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं उनके साथ क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन करता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल डिकम्पोजिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें डबल डिकम्पोजिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों टाइप की रिएक्शन होती है। अलग अलग आपने दोनों रिएक्शंस को पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि डबल डिकम्पोजिशन में हमको कैसे रिएक्शन करानी है, देन हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कैसे रिएक्शन करानी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हम ग्रिग्नार्ड के दो मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल क्या करता है, ग्रिग्नार्ड का एक मॉलिक्यूल जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसके निगेटिव पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा स्टूडेंट्स, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट होता है वहां रिएक्शन करता है। आपको अपने माइंड में एक बात बिठा लेनी है कि डबल डिकम्पोजिशन में हमको कितने ग्रिग्नार्ड के मॉलिक्यूल का यूज करना है, दो मॉलिक्यूल का यूज करना है। हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज एक ही होगी, लेकिन जो हमारा ग्रिग्नार्ड होगा उसे कितने मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट्स, होंगे फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई होप समझ में आ गई है। देन जो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट अपन क्या करेंगे कि ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन अपन कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ या किसी भी अल्कोहल के साथ, तो क्या इसमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ H2O, CH3OH या फिर क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका मेथिल अल्कोहल। अब हमको क्या ले लेना है, सभी को पता है ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने क्या ले लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका क्या नाम है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके रिएक्शन हमको किससे करानी है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप फर्स्ट आप सभी को मालूम है कि ये आयोनाइज कैसे होगा, मैग्नीशियम मेटल है, ऑलवेज क्या होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इस पर क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया आपका निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब H2O कैसे आयोनाइज होता है, आप सभी को पता है H+ और OH निगेटिव, देन अब आपको क्या करना है कि पॉजिटिव को निगेटिव के साथ ऐड कर देना है एंड निगेटिव को क्या कर देना है, पॉजिटिव के साथ ऐड कर देना है। ठीक, ये CH3 और एक ये H क्या हो गया आपका CH4, मीन्स इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
मेथेन, ये हो गया क्या CH4, ये एडिशनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया है, ये देखिए ये MgBr, और ये पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या ऐड हो गया है, यहाँ ये निगेटिव पार्ट MgBr और OS, ठीक है। सेम रिएक्शन हमको करानी है CH3OH के साथ। आप सभी को पता है कि अल्कोहल कैसे अरेंज होगा, CH3O निगेटिव एंड ये क्या हो गया आपका H+, ठीक है। ग्रिगनार्ड कैसे आयोनाइज होता है आप सभी जानते हैं, कैसे, ये हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट, देन ये क्या हो गया एल्किल रेडिकल, क्या हो गया आपका निगेटिव पार्ट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पॉजिटिव को क्या कर देना है, ये पॉजिटिव है इसको कहाँ ऐड कर देना है, इस निगेटिव के साथ आप लोग देख रहे हैं ये CH3 है, एक एच और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स आपका मेथेन। नेक्स्ट आप सभी देख रहे हैं कि MgBr पॉजिटिव पार्ट, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका निगेटिव पार्ट MgBrOCH3, ठीक है। MgBr और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स OCH3, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई और क्या कराया है मेथिल अल्कोहल के साथ, तो दोनों सिचुएशंस में क्या फॉर्म होता है, यहाँ हाइड्रोकार्बन या कोई भी एल्केन का यहाँ देख लीजिए फॉर्मेशन हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन की, सेकंड क्या हो गया स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। आप ग्रिगनार्ड की रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड, कि जब हम मेथिल क्लोराइड से ग्रिगनार्ड की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। ये लीजिए ये मैंने क्या ले लिया, यहां क्या ले लिया मेथिल क्लोराइड, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो कैसे आयोनाइज होती हैं। जब हमको ये पता चल जाएगा कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है आयोनाइज कैसे होती है, तो उसके बाद हमको क्या करना है कि जो आयोनाइजेशन के बाद जो दो पार्ट बने एक पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट, तो उनमें क्या करना है हमको पॉजिटिव पार्ट के साथ एक रिएक्टिंग स्पीसीज के पॉजिटिव पार्ट को दूसरे रिएक्टिंग स्पीसीज के निगेटिव पार्ट के साथ हमको क्या कर देना है स्टूडेंट्स ऐड कर देना है, ठीक है। ये लीजिए मैग्नीशियम वाला पार्ट क्या हो गया MgX वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, ये अभी तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और ये क्या हो गया अपना निगेटिव पार्ट। हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड कैसे आयोनाइज होता है। आप सभी को मालूम है कि कार्बन के कंपैरिजन में जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है ज्यादा होती है, जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हुई तो ये क्या करता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, आप सभी को पता है कि जब हम किसी से उधार लेते हैं मीन्स हम क्या होते हैं ऋणी, और जो हमको देता है या जो डोनर रहता है वो क्या रहता है वहां
दाता का काम करता है। सेम हियर, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, मीन्स ये क्या होगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके ले लिया है। देन जो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उस पर कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ डोनर का काम कर रहा है। उसके बाद अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, नेगेटिव पार्ट को आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव पार्ट के साथ ऐड कर देना है, और इस पॉजिटिव पार्ट को क्या कर देना है स्टूडेंट, इस नेगेटिव पार्ट के साथ आपको ऐड कर देना है। ये लीजिए, ये नेगेटिव CH3, देन ये पॉजिटिव, मींस यहां क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, C2H6, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथेन। ठीक है, अब इस पॉजिटिव पार्ट को हमको किससे ऐड कर देना है स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव पार्ट के साथ। ये देखिए MgBr और ये इस रिएक्टिंग स्पीसीज का क्लोरीन। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देन मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करती हूँ, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ जब हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? ग्रिग्नार्ड ही लेना है, एसिटिल क्लोराइड के साथ हमको क्या करनी है, इसकी रिएक्शन करानी है। ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला आप सभी को पता चल गया होगा अभी तक, तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम बात करते हैं एसिटिल क्लोराइड की, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, CH3 सी डबल बॉन्ड हो और ये क्या हो गया आपका Cl। ठीक है, अब सेम जैसे अभी आपने प्रीवियस रिएक्शन की है वैसे ही आपको इस रिएक्शन को करना है। ग्रिग्नार्ड कैसे आयोनाइज होगा आप सभी को पता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका निगेटिव पार्ट। अब हम बात करते हैं यहां, ठीक है, अब आप सभी को मालूम है अभी मैंने प्रीवियस रिएक्शन में सेम चीज आप लोगों को बताई है कि जो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सेम प्रोसेस, ये क्या हो जाएगा निगेटिव पार्ट और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अब आप सभी को मालूम है कि इस निगेटिव पार्ट को क्या करना है आपको इस पॉजिटिव पार्ट के साथ एड कर देना है, और MgX पार्ट को क्या करना है हमको इस निगेटिव पार्ट के साथ हमको ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखिए आप सभी CH3 ये निगेटिव पार्ट, अब हम इसको किसके साथ ऐड करना है इस पूरे पॉजिटिव पार्ट के साथ, CH3 ये मैंने लिख दिया, ये देखिए, उसके बाद C डबल बॉन्ड O फिर CH3 ये लीजिए। नेक्स्ट आपका कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इस MgX पार्ट को हमको क्या करना है इस निगेटिव पार्ट के साथ हमको ऐड कर देना है। ठीक है, Mg ये हो गया आपका Br और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स Cl। ठीक है, कैसे रिएक्शन हुई, हमने क्या लिया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ये क्या हो गया आयनाइज किया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट को निगेटिव पार्ट के साथ और निगेटिव पार्ट को क्या करना है पॉजिटिव पार्ट के साथ ऐड कर देना है। जब हम ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, अभी आप सभी लोग जानते होंगे कि इस कंपाउंड का क्या नाम है, इसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या रिएक्शन बताई, एक
मैंने बताई एल्किल हैलाइड के साथ, दूसरी रिएक्शन मैंने क्या बताई आप लोगों को एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन बताती हूँ कि जब हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन साइनोजन या क्लोरामिन के साथ कराते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों की, रिएक्शन हमको करवानी है ग्रिग्नार्ड की ही किसके साथ, साइनोजन के साथ, और किसके साथ करानी है साइनोजन क्लोराइड के साथ। अब रिएक्शन के थ्रू आपको पता चलेगा कि जब हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन साइनोजन या साइनोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम बात करते हैं साइनोजन की, साइनोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया CN का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या करना है यहां से आपका, आपको मालूम है ये पॉजिटिव पार्ट ये निगेटिव पार्ट, ठीक है। और सेम यहां भी क्या होता है दोनों इक्विवेलेंट है, फिर भी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दूसरे कंपैरिजन में पार्शियल ज्यादा होती है, तो एक में क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक में क्या हो जाता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज को आपको क्या करना है इसके साथ ऐड कर देना है, ये क्या बन गया है देखिए CH3 और CN, देन इस पॉजिटिव को आपको क्या करना है इस निगेटिव के साथ क्या कर देना है ऐड कर देना है, ये लीजिए। आप सभी देख रहे होंगे कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन साइनोजन के साथ कराते हैं तो क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, कोई भी एल्किल साइनाइड, यहाँ हमने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है तो यहाँ हमें क्या मिला है मेथिल साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जब हम ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन साइनोजन क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है, ठीक है। साइनोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, साइनोजन में क्या था आपका CN का होल ट्वाइस और साइनोजन क्लोराइड है तो साइनोजन ही क्लोराइड है, मींस इसका क्या एक जो CN का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है क्लोरीन से क्या होता है रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया है आपका CN और CL। अब देखिए रिएक्शन इसमें कैसे होती है, ये कैसे आयोनाइज होगा आप सभी को पता है, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट और ये क्या हो गया आपका निगेटिव पार्ट। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि CN CL शब्द आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कार्बन के कंपैरिजन में क्या होता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स पार्शियल निगेटिव चार्ज, और CN पर कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आगे अब आपको क्या करना है आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि निगेटिव पार्ट को हमको क्या करना है पॉजिटिव पार्ट के साथ हमको ऐड कर देना है, ये लीजिए सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है जब हमने साइनोजन के साथ रिएक्शन कराई थी,
उसमें भी क्या बना था, मिथिल साइनाइड, और इस रिएक्शन में भी क्या बन गया है स्टूडेंट्स, मिथिल साइनाइड। ठीक है, दो रिएक्शन आप लोगों ने देखी, एक हमने क्या कराई है साइनोजन के साथ, दूसरी हमने क्या कराई है स्टूडेंट, साइनोजन क्लोराइड के साथ, और दोनों केस में क्या फॉर्म होता है, एल्किल साइनाइड या मेथिल साइनाइड का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जब हम ग्रिगनार्ड की रिएक्शन क्लोरामिन के साथ कराते हैं तो इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, रिएक्शन विथ क्लोरामिन, जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन क्लोरामिन के साथ कराते हैं तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कोई भी प्राइमरी एमीन, मींस जब हम ग्रिगनार्ड के रिएक्शन क्लोरामिन के साथ कराएंगे तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है स्टूडेंट्स, कोई भी प्राइमरी एमीन। ये देखिए ये क्या हो गया, CH3 और आपका MgBr। अब क्लोरामिन क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए NH2Cl, ये क्या हो गया आपका क्लोरामिन। अब रिएक्शन कैसे करनी है ये तो आप लोग को खुद समझ में आ गया होगा कि पहले तो जो दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज है इनको क्या करना है, आयोनाइज करना है, देन उसके बाद पॉजिटिव पार्ट को निगेटिव पार्ट के साथ, एंड निगेटिव पार्ट को हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पार्ट के साथ एड करना है। ठीक है, ये देखिए Mg वाला पार्ट क्या हो गया पॉजिटिव पार्ट, एल्किल वाला पार्ट क्या हो गया ये आपका निगेटिव पार्ट। सेम हम बात करते हैं यहां, ये क्या हो गया हमारा निगेटिव पार्ट और ये हमारा पॉजिटिव पार्ट। अब आपको क्या करना है, निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव पार्ट के साथ एड कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका CH3 और NH2, देन आपका एडिशनल प्रोडक्ट क्या बना, MgBrCl। ठीक है, मींस जब हम ग्रिगनार्ड के रिएक्शन क्लोरामिन के साथ कराते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ आपका, कोई भी प्राइमरी एमीन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स आपकी, डबल डिकम्पोजिशन डबल डिकम्पोजिशन विथ एथिल ऑर्थो फॉर्मेट, मींस इस रिएक्शन में हमको क्या करवाना है, डबल डिकम्पोजिशन किसके साथ, एथिल ऑर्थो फॉर्मेट के साथ ग्रिगनार्ड का क्या कराना है, डबल डिकम्पोजिशन। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट्स वो कोई भी क्या होता है, एल्डिहाइड। फर्स्ट अब हम बात करते हैं एथिल ऑर्थो फॉर्मेट का फॉर्मूला इसमें क्या होता है,
ये क्या हो गया आपका HCO sequestrified का whole price, ये हो गया आपका क्या ethyl ortho formate। किसके साथ रिएक्शन करानी है आप सभी जानते हैं, किसके साथ ग्रिगनार्ड के साथ। ये लीजिए ये क्या हो गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब रिएक्शन कैसे होगी मेन बात ये है, आप सभी को मालूम है कैसे आयोनाइज होते हैं ग्रिगनार्ड, पॉजिटिव पार्ट देन अपना नेगेटिव पार्ट। जब हम एथिल ऑर्थो फॉर्मेट को आयोनाइज करते हैं तो कैसे होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट्स आपका नेगेटिव पार्ट, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट, मींस यहां से एथिल ऑर्थो फॉर्मेट का मॉलिक्यूल क्या होता है ब्रेक हो जाएगा। तो ये OCQH5 और यहां से MgBr ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स अलग हो जाते हैं। कैसे देखिए MgBr और ये क्या हो गया आपका OC2H5। ठीक है आप मेन अपना प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखिए HC, अब यहां क्या ऐड हो जाएगा इस पॉजिटिव पार्ट के साथ, ये नेगेटिव पार्ट मींस CH3। कैसे ये लीजिए CH3 फिर ये OC2H5 देन ये आपका क्या हो गया OC2H5। अब हम क्या करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल का ऐड होना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस। ठीक है अब हम यहां कितने मॉलिक्यूल का यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड कहां होगा मेन बात ये है, हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस हम यहां, अब वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज कैसे होता है प्रीवियस रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया है H प्लस और OH नेगेटिव। ठीक है ये हो गया H और यहाँ क्या हो गया OH, सेम हियर यहाँ क्या हो गया H और यहाँ क्या हो गया है OH। ठीक है अब आप सभी देख रहे होंगे कि यहां से क्या रिमूव होगा C2H5OH means ethyl alcohol. Ethyl alcohol में कितने मॉलिक्यूल रिमूव होंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ethyl alcohol. ठीक है ना क्या बनाया कंपाउंड पहले देखिए C देन आपका ये हो गया CH3 ये हो गया OH और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स OH। ठीक है और क्या रिमूव हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ethyl alcohol। ठीक है अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स ये क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है क्योंकि एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं तो यहां से क्या होता है एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा यहां, यहां से H2O बाहर हुआ बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लोकेट कहां हो गया है यहां। ठीक है क्या फॉर्म हो गया है HCCH3 डबल बॉन्ड O, क्या है CH3CHO। आप सभी जानते हैं कि इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट। आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।